नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन ने लोगों के जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला था। इस दौरान बहुत से लोगों की नौकरी चली गई थी। देश भर के विभिन्न शहरों में रहकर काम कर रहे लोगों की रोजगार चली गई। बिहार के भी कई मजदूर जो दूसरे शहरों में रहकर नौकरी करते थे, वो भी काम बंद हो जाने के बाद वापस अपने राज्य बिहार के लिए पलायन करने को मजबूर हो गए थे। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी की वजह से जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तब हजारों की संख्या में बिहार के मजदूर पैदल ही अपने घरों को रवाना हो गए थे। ऐसे में देश भर से लौटे प्रवासी मजदूरों को बिहार के विभिन्न जिला प्रशासन के द्वारा जिला कौशल के अनुसार औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के तहत प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया। इसी कड़ी में जिला कौशल औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के तहत सहरसा जिला स्थित कहरा प्रखंड के पटुआहा में देव इंडस्ट्रीज समूह को मसाला तैयार करने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता दी गई है। इस समूह में देश के विभिन्न भागों में मसाला तैयार करने वाले कुशल श्रमिक शामिल हैं। ये सभी लोग बेहतर किस्म मसाला तैयार कर स्थानीय स्तर पर बिक्री करेंगे और इसके साथ ही इसे राज्य के अन्य बाजारों में भी बेचा जाएगा। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इस तरह के मसालों के बाजार में आ जाने से लोगों को मिलावटी मसालों से मुक्ति मिलेगी। दरअसल मिलावटी मसालों के लगातार सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बताया जाता है कि मसालों की गुणवत्ता का जिला प्रशासन के तरफ से भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। अन्य मसालों की बजाय यहाँ के बने मसालों को स्थानीय बाजारों में फैलाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े और प्रवासी मजदूरों का व्यापार भी ठीक से चल सके। जिला प्रशासन के इस प्रयास से सैकड़ों लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। इस कड़ी में दियारा विकास योजना को भी बल मिलेगा। कोसी क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ भयंकर तबाही मचाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा संख्या में पलायन करते हैं। कोसी क्षेत्र में बाढ़ का पानी उतरने के बाद खाली जमीन पर कृषि विभाग ने दियारा विकास योजना के तहत दलहन और तिलहन की खेती कराने का फैसला किया है और इस तरह की खेती शुरू भी हो गई है। स्थानीय स्तर पर मसालों की मांग बढ़ने से दियारा विकास योजना से मिर्च, तेजपत्ता, हल्दी, धनिया, सरसों इत्यादि की भी बड़े पैमाने पर खेती की जाएगी। इस तरह दोनों योजनाओं के समन्वय से लोगों को काम भी मिलेगा, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। जो प्रवासी मजदूर कोरोना लॉकडाउन की वजह से वापस अपने घर आ गए थे या फिर जिनकी नौकरी चली गई थी, वैसे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और स्थानीय क्षेत्र का विकास भी होगा। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक प्रकाश चौधरी ने बताया कि जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना से मसाला इकाई का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। इससे जहां प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार प्राप्त होगा, वहीं इलाके की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस तरह से देखा जाए तो प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की दिशा में जिला प्रशासन की एक बहुत ही सराहनीय पहल है। ऐसे में अब जरूरी है कि राज्य के अन्य जिले भी इस तरह की पहल करें और अपने जिले के प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करें। निश्चित रूप से यह अनुकरण योग्य पहल है। इससे न सिर्फ प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध होगा बल्कि स्थानीय स्तर पर क्षेत्र का विकास को भी बल मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।